नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में, जहां हम बात करेंगे अनिल कुमार गुप्ता जी से, जो हमें बताएंगे अपने अनुभव के बारे में कि जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। तो सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता। सर, प्लीज़ ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में कैसे पता चला था और आपको कितना समय हो गया इससे जुड़े हुए। जी, हमें तो जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में एक फेसबुक ऐड से पता चला। जी जी, और वो हम यूज कर रहे हैं पिछले दो महीने से, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दो महीने से यूज कर रहे हैं। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपने जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में आपको ऑनलाइन पता चला था, ठीक है। जी, तो सर, जी, क्या आपने कभी एक्चुअल में विजिट किया है ऑफिस, या सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया था? ऑनलाइन ही हो गया था। तो सर, ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं? वही आधार कार्ड से हम लोग ने ट्रांजेक्शन करा है। अच्छा, मतलब कि आप लमसम यूटिलिटी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं? जी, जी जी जी। और आधार पे, मतलब APS, आधार पे और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर वगैरह यूज कर रहे हैं? और हमने इस पे जो है पैन वगैरह का सर्विसेज का काम किया है। जी सर। ईवे बिल वगैरह का भी सर्विसेज, और ईवे बिल, ये सब काम हमने किया है इस पे। तो सर, और उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन भी कराया है मैंने। अच्छा जी। सर, आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ लिया आपने, कहाँ बनाया अपना बिजनेस? ये बिजनेस है हमारा मैरवा सिवान। अच्छा, बिहार की तरफ है? जी जी, सिवान बिहार। तो सर, ये बताइए कि अब आपने क्या सोचा हुआ है कि मतलब आगे आपको और कौन कौन सी सर्विसेज यूज करनी, जैसे अभी तो आप दो ही तीन यूज कर रहे हैं, बट आगे और कौन सी सर्विसेज यूज करनी है आपको? जीएसटी से रिलेटेड हमने सर्विसेज इस पे सर्च किया था, ITR वगैरह के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जी, हाल फिलहाल में अभी अमेज़न इजी स्टोर भी लेकर आया जीएसटी सुविधा केंद्र, क्या आपने सोचा है कि आप उसको भी लेंगे या उसको भी अप्लाई करेंगे, अपना स्टोर खोलेंगे? अपना स्टोर के लिए भी एक बार हमने सोचा था, फिर बीच में थोड़ा सा गैपिंग, मतलब मिसमाइंड हो गया यार किसी और चीज के बारे में। एक्चुअली हमारा कपड़े का भी व्यवसाय है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा। जी सर जी। तो मतलब साइड बाय साइड आप एक और बिजनेस करते हैं इसमें, और हमारा सर्विसेज और जुड़ जाएगा इस मंथ के बाद से। जी, तो मतलब इसके लिए काउंटर हम बनवा रहे हैं। जी, तो थोड़ा सा बेटर सर्विस कस्टमर को भी मिलेगा। जी बिल्कुल सर, मतलब आप एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपैंड करने करने में आपने जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ जो है अपना बिजनेस ले लिया है, और उसके बाद आप इसको आगे और एक्सपैंड करेंगे, राइट सर? जी 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 जी। तो सर, इससे पहले कि आप बिजनेस करते थे, मतलब ये कपड़े के बिजनेस में आप शुरू से ही हैं या आपने जॉब वगैरह भी किया है? नहीं नहीं, हम कपड़े के व्यवसाय में ही हैं। अच्छा, कपड़े के व्यवसाय में ही हैं आप शुरुआत से? अभी हम बहुत सारा सर्विसेज यूज करते हैं। आप बहुत सारे सर्विसेज यूज करते हैं? जीएसटी नियरबाय है, जीएसटी है, CSC ID है। जी जी। तो सर, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको जीएसटी सुविधा केंद्र से जुड़ने के बाद, कैसा लग रहा है? ठीक है, प्रॉपर काम हो रहा है, कमीशन भी बढ़िया है, कस्टमर को तो ये भी चाहिए। जी बिल्कुल सर, कुछ रिबेट मिल जाता है कस्टमर को भी। बिल्कुल सर, मतलब जो आपके स्टोर पे आते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, कैशबैक वगैरह भी और ये सब चीजें। हाँ, हाँ, हाँ। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, आप उनसे कितना मार्जिन लेते हैं? 20-30% ज्यादा नहीं। 20-30%। जी। तो सर, आप लगभग कितना कमा लेते होंगे हर महीने? अभी तो फिर नया नया है, 15-16-20 तक। जी, तो सर, जब आपने अपना स्टोर खोला, जब आपने अपना GSK बनाया, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट मिला था यहाँ से? हाँ, सपोर्ट तो हर टाइम मिला है, जब भी रिक्वायरमेंट हुई है तुरंत सपोर्ट मिला है। ठीक है अनिल कुमार जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपका बिजनेस वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो, और आप और ज़्यादा जीएसटी सुविधा केंद्र से जुड़े।
ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नमस्ते सर। तो ये थे अनिल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि वो जीएसटी सुविधा केंद्र के साथ हाल ही फिलहाल में जुड़े हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है फिलहाल। वो अभी 15 और 20 ही कमा रहे हैं, लेकिन वो आगे और इसको और ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, जैसे जैसे अपना नॉलेज बनाते जाएंगे, जैसे जैसे और लोगों को जोड़ते जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं मिनिमम अमाउंट में अपना बिजनेस खोलना और ऐसे ही हर वक्त अपने बैकएंड में एक सपोर्ट चाहते हैं, तो अभी के अभी कॉल मिलाइए और फ्रेंचाइजी लीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र की। अगर आप देखना चाहते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे काम करता है, तो उसके लिए डेमो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। और किसी कंसर्न के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gstsuvidhakendra.org भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।